तो हम लोग कहां पे थे लास्ट क्लास में? सो हम लोग लास्ट क्लास में जो थे ये कर रहे थे, अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं इसका ना, ये हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। टोटल डेफिनेशन बताता हूं भी क्या है। सो अभी पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे, देन हमने डिस्कस किया था कि कोई टू वेरिएबल फंक्शन है वो कब डिफरेंशिएबल होगा। सो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन आगे थ्योरी कंटिन्यू करूंगा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन कल नहीं लिखा था मैंने, तो अभी लिखता हूं। देखो इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया तुमने? नहीं चेक किया होगा। सो ये क्वेश्चन है, f of x comma y is root under mod xy, ये लिखा था लेकिन इसका डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक किया शायद हमने, है ना? तो ये है, तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए fxy is differentiable at, ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी 0 1, ऑप्शन सी 1 0, ऑप्शन डी 1 1। बताओ जरा, इसकी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि हाउ टू चेक अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। आप ट्राई करके बताओ मुझे। Yes, क्या क्या आंसर आया? नहीं नहीं वो अलग चीज है, पार्शियल डेरिवेटिव अलग चीज है, कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव अलग चीज है। यहाँ पे वन वेरिएबल कैलकुलस में कोई पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, यहाँ तो मोर देना ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव अलग डिसाइड नहीं करता है। अगर पार्शियल एग्जिस्ट कर भी रहा है स्टिल हो सकता है फंक्शन डिफरेंशियबल ना हो, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आपको देखना है कि क्या रिजल्ट है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अगर आप लास्ट क्लास में रहे होंगे इस बैच में तो मैंने ये कराए थे, ऐसे आपको आता भी होगा, आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं। डिफरेंशिएबल एट, मैं डिफरेंशिएबल पूछा मैंने, 0 0 पक्का चेक करो। नहीं आंसर मुझे भी याद नहीं, मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाए हैं, अभी मैं सॉल्व करूंगा। तो ए पे नहीं है ना? हाँ 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 ओके।
या पॉइंट्स चलेगा, मोर देन वन भी हो सकता है करेक्ट। ओके सो डी यहाँ मतलब करेक्ट है, डी पे है, ठीक है। सो ओके ट्राई करें, देखिए चलिए ट्राई करते हैं। तो क्या कंडीशन था, डेफिनेशन क्या था, तो जिन लोगों को याद नहीं है उनको बता दें कि जो मैंने डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की लिखी थी, सो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए बी है ना, इसको मैं जो यूज किया था डेफिनेशन कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी if and only if limit h comma k tends to 0 0, ठीक है। so ठीक है, so यहां से क्या आएगा, so यहां से आएगा f of a plus h comma b plus k minus f of a b माइनस एच टाइम पार्शियल डेरिवेटिव की यहां जरूरत है, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट ए बी माइनस के टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एट ए बी अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड दिस आंसर शुड बी जीरो, तब बोलेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। टू वेरिएबल में एक कंडीशन है ना, वन वेरिएबल में क्या होता था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये वन वेरिएबल का कांसेप्ट था। तो सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, चेक कर लो। तो जैसे मान लो जैसे बोल रहे वन वन पे है, तो वन वन पे पहले चेक कर लेते हैं तुम किसी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हो, मैं एक पॉइंट पे करता हूं बाकी पे ट्राई कर लोगे ना तुम लोग, मैं किस पॉइंट पे चेक करूं बताओ, कोई चारों में से किस पॉइंट पे चेक करूं, क्योंकि बाकी तो सिमिलर ही होगा, तो एक पॉइंट पे मैं कर देता हूं चेक कि डिफरेंशियल है कि नहीं है, बाकी पॉइंट तुम ट्राई कर लेना तीन पॉइंट पे। सो बताओ कोई फोर्थ वाले पे चेक कर दे, ठीक है फोर्थ वाले पे। तो वन वन पे डेफिनेशन क्या होगा, तो जो मैंने अभी लिखा है, तो हमें क्या ट्राई करना है कि हमें ट्राई करना है लिमिट एच कॉमा के टेंस टू जीरो जीरो mod f of 1 plus h comma 1 plus k minus f 11 ठीक minus fx अच्छा h time fx minus k time fy 11 upon root under h square plus k square this is equal to 0 ठीक, ये है। सो मुझे ये लिमिट चेक करना है जीरो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक चलिए ट्राई करते हैं। सो इसके लिए आप देख रहे होंगे मुझे जरूरत है यहां पे, सो एफ एक्स तो ठीक है पता है, तो मुझे ये क्वांटिटी पता है ये लिख देंगे हम, हमें यहां पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत है वन वन पे, ठीक है। चलिए पार्शियल डेरिवेटिव एट वन वन ट्राई कर पहले लिख लेते हैं। तो मुझे चाहिए एफ एक्स एट वन वन, अब इसका डेफिनेशन याद करो आप, तो हम लोग जब इसका डेफिनेशन लिख रहे थे
सो रिकॉल पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी. सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच एंड एफ वाई एट ए बी दिस इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो यूज करो इसको. लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच वन वन अपॉन एच. सो लिमिट एच टेंस टू जीरो. देखो अब क्या करो उसमें पुट कर लो. तो पुट करोगे तो रूट अंडर वन प्लस एच टाइम वन माइनस रूट अंडर वन टाइम वन तो वन अपॉन एच. सो कितना आया लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट अंडर वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच. अब आप लोगों ने अभी आप एच को जीरो पुट करोगे क्या आ रहा होगा जीरो बाई जीरो का फॉर्म. तो जब जीरो बाई जीरो की लिमिट आती है तो क्या करते हो आप लोग बताओ. कई सारे तरीके हैं देखिए. एल हॉस्पिटल लगा लो नहीं तो फॉर्मूला भी होता है ए की पावर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वेयर एक्स टेंस टू ए इज एन ए की पावर एन माइनस वन वो भी लगा सकते हो. एल हॉस्पिटल लगा लो. मतलब एक क्वेश्चन के हजार अप्रोच हो सकते हैं ना. वो डिपेंड करता है हम कैसे सोच रहे हैं है ना. ये चीज है. सो इसको कोई जरूरी बिना एल हॉस्पिटल में भी हो जाएगा. ये एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं. सो लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा. सो रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे सो वन अपॉइंट टू रूट वन प्लस एच वन का डेरिवेटिव जीरो एच का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग. सो यहां पे एच को जीरो पुट कर लो आप. सो बताओ कितना आया. यस कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या नाम है आपका. किसके थ्रू ऐप पे किया है. हाँ कोई दिक्कत नहीं. अनमोल आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया ना आपने मुझे. ठीक है ठीक है. अभी मैं क्लास में हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ ना. हाँ सो यहाँ क्या आ गया. ठीक है ना यहाँ आ गया. सो सर फॉर्मूला एक बार बोल दीजिएगा क्या फॉर्मूला वाला बात बोल जाएगा इसका. हाँ वो आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे ना. ये भी यूज मतलब एल हॉस्पिटल से ही आया है. वो कुछ नया नहीं है. यू ऑलरेडी नो दैट. भूल गए होंगे आपको पता ही होगा. फॉर्मूला ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता था जो आप पढ़े होंगे वो प्रूफ उसका एल हॉस्पिटल से ही आता है. एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए. सो ये इसका आंसर होता है ना. ए क्या होता है भाई एन ए की पावर एन माइनस वन है ना. तो ये फॉर्मूला है जो इलेवन ट्वेल्थ में हाँ इलेवन ट्वेल्थ में होता था. तो वो हालांकि प्रूफ इसका एल हॉस्पिटल से ही आता है. एल हॉस्पिटल से आ जाएगा तो वो भी कर सकते हैं आप. वन प्लस एच की पावर हाफ माइनस वन की पावर हाफ अपॉन वन प्लस एच माइनस वन तो उससे भी आ जाएगा. ओके सो फाइनली कहने वाला हाफ आ गया. सिमिलरली इसी तरीके से आप ये डेफिनेशन यूज करोगे दूसरा वाला एफ वाई वाला तो आपका इसी तरीके से आंसर आएगा. ठीक है तो इसका एफ वाई एट वन वन ये भी हाफ ही आएगा भाई. ठीक है ना तो सेम ही आएगा ये भी. इसी तरीके से सॉल्व करो डिफरेंस कहीं पे आएगा नहीं आएगा ना तो सेम ही आंसर आएगा. अब आप इस पे आ जाओ तो आप पुट कर दो. अब तो जब पुट करोगे आप लिमिट एच कॉमा के टेंस टू जीरो जीरो मॉड अब फंक्शन आपको यहां पहले से पता है. सो रूट अंडर मॉड में वन प्लस एच वन प्लस के माइनस वन वन तो रूट अंडर वन माइनस एच टाइम एफ वन वन हाफ माइनस के टाइम एफ वाई एट वन वन सो हाफ एंड अपॉन में आ गया रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब ये लिमिट निकाल पाओगे तो देखो अब ये लिमिट कैसे आएगा. तो टू वेरिएबल की लिमिट हो गई है. सो लिमिट एच कॉमा के टेंस टू जीरो जीरो इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो अभी सिंप्लीफाई करोगे तो रूट अंडर यहां पे है ओपन भी कर सकते हो तुम.
सो 1 प्लस एच 1 प्लस के माइनस 1 माइनस एच प्लस के अपॉन 2 ऐसा कुछ है और अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया है ना टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल में इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ लिमिट, हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट, बोलो भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ। क्या कर रहे हो, इसको वो कर दो या तो, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखा ठीक है ना, हाँ मतलब ये पॉइंट इधर, मतलब वो तुम कर्व ले रहे हो, तो कर्व से प्रूफ थोड़ी होगा, तो एक काम करो तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हो, नहीं तो मतलब कोई है ना, ये एक्चुअली न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो चेक करो। अच्छा अभी एचके को 0 0 होगा क्या होगा, अभी तुम एचके को 0 0 रखो तो क्या आंसर आ रहा होगा, 0.0 का फॉर्म आ रहा है, तो ये टू वेरिएबल की लिमिट है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, तुम कर्व के अलोंग भी सोच सकते हो एच इज इक्वल टू एम टाइम के जो तुम कह रहे हो, तो उससे पता चलेगा क्या आंसर आएगा, लेकिन तुम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो चाहो तो, सो पोलर फॉर्म में मतलब यू टेक एनी कर्व, ये तो आंसर देखना क्या आएगा तुम्हारे पास। सो अगर मैं एच पोलर फॉर्म में क्या करते हो तुम लोग, एच को आर कॉस थीटा, के को आर साइन थीटा, आर टेंस टू जीरो ये करना पड़ेगा क्योंकि एच के टेंस टू जीरो है ना, तो ऐसा हो जाएगा, क्या बनेगा देखो सिंप्लीफाई करो जरा इसको, कितना आएगा, इसको तुम ओपन कर लो, इसको पहले ना ओपन कर लो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये, सो ये लिमिट तुम्हें बस सॉल्व करनी है अब, तो ये जाएगा 1 प्लस, अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा आएगा 1 प्लस कितना h प्लस k प्लस h k, ऐसा कुछ है ना ये, हाँ 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 इसको पुट करो, h को r cos थीटा, y को r sin थीटा, एक तरीका सही है, दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं हम लोग, अच्छा ये बताओ छोड़ो इतना क्यों करना है तुम्हें, एक काम करो तुम कर्व ले रहे थे ना, सो h इज इक्वल टू, अगर हम m टाइम k ले, छोड़ो h इज इक्वल टू k ले लो पहले, देखो h इज इक्वल टू k रखने पे ये क्या आंसर देगा, आपको याद है ना मैं कुछ दिन पहले हम लोग टू वेरिएबल की लिमिट डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ये देखते थे कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, आप कोई भी कर्व लो पासिंग थ्रू 0 0 इट शुड गिव यू सेम आंसर, ऐसा है, तो अभी h is equal to k लो या m time k ले लो चाहो तो, या h is equal to k ले लो, तो क्या आंसर आएगा, h is equal to k रखने पे क्या आएगा देखो जरा, h की जगह k रख के सिंप्लीफाई करके बताओ, इतना टाइम लगेगा, h और k इक्वल करो और देन ट्राई करके बताओ क्या आएगा, देन अब h tends to 0 कर देना, 0 आ रहा है, so 1 plus h का whole square माइनस तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ एच जीरो जीरो है ना, देखिए 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2h, एक मिनट मैं लिख देता हूँ ना, लिमिट h टेंस टू 0 मैं h इक्वल टू k पे चेक कर रहा हूँ क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर था, आई थिंक 1 प्लस h हो गया माइनस 1 माइनस h और अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, सो ये कुछ भी है ना, ये 2h स्क्वायर का रूट है, तो ये तो कट के 0, ये तो 0 आ गया, ओके है, तो h इक्वल टू k के लाऊं ठीक है, अगर h इक्वल टू 2k लेते तो भी सेम आंसर आता,
बताओ तो भाई क्या आंसर आएगा। आंसर क्या दिया, तुम ये बोल रहे हो इन जनरल, तो मैं बोल रहा हूँ इन जनरल जीरो आएगी कि नहीं आएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या ये जीरो आएगी या नहीं आएगी इन जनरल। तुम लोगों ने कैसे बताया डिफरेंशिएबल है फिर नहीं आएगी तो? चूंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा था ना ये, या तो मैं पूछ लू नॉट डिफरेंशिएबल पूछ लू इस क्वेश्चन में, तो मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। मतलब बुक से मैं फंक्शन देखा था, मैंने क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएबिलिटी खुद ही बनाया है। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है ये, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है क्या करना है मुझे? सब समझ आ रहा है करना क्या है? अब आप लिमिट के क्वेश्चन पे आ गए हो, हमें क्या देखना है कि ये जो लिमिट सॉल्व करके ये जीरो आएगी कि नहीं आएगी। अगर जीरो नहीं आएगी मतलब पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू जीरो। वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट शुड बी इक्वल टू जीरो, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आपको यही डिसाइड करना है यहाँ पे। यस अच्छा, ये हाँ बीसी में पार्शियल, अगर ना अगर हाँ ये सर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कोई गारंटी नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे मतलब तुम्हारा आउट हो गया था। कौन सा रुको रुको, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल पूछ लेता हूँ फिर ना। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मान लो ये पूछ लिया तुमसे मैंने, डी ऑप्शन 1-1। तो यहाँ पे तुम कह रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब अभी मैंने पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे निकाले हैं? 1-1 पे निकाला है ना, एक्स का और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया। तो ये कह रहा है कि अगर आप पहले तीन ऑप्शन ट्राई करते तो पार्शियल डेरिवेटिव भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पे, ठीक है ना। तो पार्शियल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, अगर डिफरेंस है ना पार्शियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत है तो वो होगा नहीं। लेकिन अगर कई बार पार्शियल एग्जिस्ट करता है स्टिल वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे। तो आपको अब ये लिमिट फाइंड करना है, है ना। अच्छा जीरो एग्जिस्ट कर रही है, ओके इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके अच्छा ठीक है, वो चेक करके आपको देखना पड़ेगा ना डेफिनेशन से, ठीक है। अब ये लिमिट आप सॉल्व करो, मैं बोल रहा हूँ या तो मैं सॉल्व करूँ आगे तो मैं आर को रखूंगा कॉस थीटा साइन थीटा, इससे चेक कर लो, या तो एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, के इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर टेंस टू जीरो कर लो। तो हम काम करता हूँ R tends to zero, so यहाँ से put कर लो इसको value और simplify करने की तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये फिर time लगेगा, तुम्हें इस limit solve करके देखना है ना, क्योंकि अभी so तुम्हारे पास यही limit है, तुम इसको solve करके देखना, अगर फिर भी नहीं होता है then we can discuss, क्योंकि ये फिर काफी complicated होगा, limit time लगेगा इसमें। so ये तुम्हारा यही मतलब मान लो जो homework समझ लो, इसको try करके देखो, नहीं तो फिर मैं try करता हूँ। ये टू वेरिएबल की लिमिट का क्वेश्चन है, जैसे आदित्य कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको देखना है कि एग्जिस्ट करेगी। बाकी जो लोग आंसर निकाले हैं बताओ कौन, हर्षिता तुम्हें आंसर निकाले थे ना, हर्षिता क्या होगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जिन लोगों ने आंसर निकाले थे इसके क्या होगा? जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं तब बीच में एस होता है, तो अगर एक्स में
नहीं, यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट है ना, यहाँ पे एच बाहर है लिमिट के, तो वैसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसके डेफिनेशन में बीच में लिमिट है, तो एच को उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हम, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ये हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वो कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो लिमिट है ना बीच में, तो वो लिमिट उस एच पे काम करेगा, इस एच पे काम नहीं करेगा, इसीलिए इस एच पे ये वाला लिमिट काम करेगा, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हम। एनीवे अभी तुम्हारा काम ये है अब कि ये लिमिट सॉल्व करना, मैं हिंट दे दिया हूं, तुम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और स्टिल अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, देखो शर्माना नहीं है, तुम पूछोगे तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा, अभी मैं सॉल्व करूंगा पूरा क्लास का टाइम चला जाएगा, मैं आगे थ्योरी करा देता हूं। तो ये तुम्हारा काम है कि इसको लिमिट सॉल्व करना। जी सर, अगर पोलर में कन्वर्ट करें और 0 बाय 0 फॉर्म में है तो सर आर के उसमें एलओपीएल लगा सकते हैं? यस, क्योंकि तो अभी यहाँ एलॉप्टर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये टू वेरिएबल का लिमिट है, लेकिन अब जो आएगा आपके पास वो सिर्फ आर उस वेरिएबल थीटा से फ्री है, तो आंसर में भी थीटा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो थीटा पर डिपेंड करता है आंसर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो जीरो आ गया तो ओके है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आर का फंक्शन है 0.0 फॉर्म आया तो यस आप एलॉप्टर लगा सकते हैं, तो इसलिए आसान बन जाता है, तो अब आसान बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए तो हो जाएगा, एक ये वन वेरिएबल की लिमिट बन जाएगी। अच्छा तो ठीक है, मैं देखो आपको अप्रोच समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ कि एच जैसे हम टू वेरिएबल की लिमिट सॉल्व करते हैं, तो आप एक्स को रखो आर कॉस, वाई को आर साइन, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 4 आ गया। ओके तो इसका मतलब ये है कि दिस लिमिट डिपेंड्स ऑन थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली कि हमारा जो ये लिमिट है will be different for the different value of theta. इसका ये मतलब हुआ कि limit does not exist, क्योंकि अगर limit exist करती है तो answer unique होने चाहिए। तो बीच में कुछ step है जो मैं नहीं किया हूँ solve, वो आपको करना है। क्या करना है? H को रखना है R cos, Y को R sin, फिर देखो अगर फिर भी 0/0 का form आ रहा है तो now you can use L'Hopital rule, because ये one variable की limit हो गई अब, तो single limit है चलेगा। तो now you try this, है ना? यहाँ limit R tends to 0, and अब आप try करो, so हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन मैंने बुक के एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया था, मतलब वो एक फंक्शन देखा मैंने जस्ट, तो मैंने चिपका के बाद चेक करके देखो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया अभी जस्ट, तो इसमें ये है कि मतलब ऐसा हुआ कि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो चूंकि मैं आपसे ये पूछा हूँ कि ये किस पे डिफरेंशिएबल है, तो वैसे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सॉल्व तो किया नहीं, मैं जस्ट क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्व तो किया नहीं था, तो मतलब ये हुआ कि अगर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन मतलब ये इनमें से किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है एक्चुअली। तो एक हमने सॉल्यूशन ट्राई किया है, सेम अप्रोच से आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई करो, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, फिर भी प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो मुझे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ट्राई करके आना, ट्राई करोगे सीखोगे, सीखना ही है आप। तो अभी आगे बढ़ता हूं, तो एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी जो कि मैंने पढ़ाए थे, तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया ट्राई करने के लिए, आगे बताता हूं। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन, है ना? सो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमने देखा, इसमें था कि फर्स्ट ऑर्डर है एफ एक्स, जिसको हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स बोलते हैं, फिर एफ एक्स वाई भी था, जिसको मैं इस तरह लिखा था कि पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर ऐसे ही डेल वाई एक्स भी था, सो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, है ना? इस तरह से मान लो एफ एक्स एक्स है, सो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक? ये इसका डेफिनेशन मैं लास्ट क्लास में लिखे थे, है ना? बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे बाकी डेफिनेशन है वैसे ही, लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था मैंने। ये टोटल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो टोटल डेरिवेटिव का मतलब एक तो ये हो गया कि लाइक जैसे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना? ये है, तो इसमें आपसे क्या पूछता है, सपोज दिस इज इक्वल टू लेट्स से जेड है, या जस्ट एफ ही बोल दो इसको, ना एफ है, तो आपसे यहाँ पे एक टर्म आता है डी एफ, इसको लिखना होता है। सो डी है ना, यहाँ डेल जब यूज हो रहा है, डेल मतलब पार्शियल, डी मतलब टोटल, तो यहाँ अगर डी एफ लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है जस्ट वही बताना चाह रहा हूं मैं। सो क्या फॉर्मूला होता है, कुछ लोगों को आइडिया होगा हाउ टू राइट दिस डेल एफ, इसको टोटल डिफरेंशियल भी बोलते हैं एक्चुअली हम, तो इसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। सो इसका नोटेशन है डी एफ, सो इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज, सो आप पार्शियली डिफरेंस करो एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में इनटू डी एक्स,
प्लस पार्शियली डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में इनटू dy. सो ये टोटल डिफरेंशियल बोलते हैं इसको f का, ठीक है. सो डिलेट इसका यूज क्या है. सो यूज एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि लेट x आपका फंक्शन है g ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ h ऑफ t एंड z जैसे है f ऑफ x कॉमा y. जरा समझिए आप. सो योर z इज अ फंक्शन ऑफ xy, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t. तो अब क्या होता है, अगर आप इसको वैसे लिखो तो जैसे क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए df अपॉन dt बताओ मुझे, ये क्वेश्चन है आपका. तो ये कुछ लोग ऑलरेडी पैरेलली फार्मूला पता होगा ऐसे तो, कि जैसे यहां पे आपने कहा कि हमने कहा z है, सो z इज फंक्शन ऑफ, सो z इज फंक्शन ऑफ x एंड z इज फंक्शन ऑफ y, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t. सो मैंने आपको कहा कि z का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में बताओ, है ना. सो ये आप जानते हो हाउ टू फाइंड. सो मैंने पूछा z का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, और यहां d क्यों लिख रहा हूं, del क्यों नहीं लिखा मैंने, d से लिखा क्योंकि आप ऑलरेडी जान रहे हो z has two dependent variable, है ना. z depends on x and y, या बोलूं मैं f depends on x and y, but x just depend on t, y just depend on t. तो at the end अगर आप x y की value put कर दो यहाँ पे, तो z is just a function of t only. तो z के पास single variable t रहेगा actually. तो ये single variable है, तो यहाँ पे total derivative होगा. So df upon dt, ये क्या कर रहा हूँ मैं, total derivative of f with respect to t. d मतलब total derivative, del मतलब partial derivative. So total derivative of f with respect to t करना है. तो यही formula repeat कर लो आप, तो क्या होगा. So ये आएगा, पहले आप क्या कर रहे हो, z is function of xy and then तो first you differentiate f, या f की जगह z you can use, no problem, है ना, z f की जगह z भी लिख सकते हो. So del f upon del x into, अब यहाँ लिख रहा हूँ dx upon dt. अगेन आप सोचोगे ये कब d लिखना है कब del लिखना है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. d का मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, del का मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, सो यहां जैसे x t पर डिपेंड कर रहा है ना, तो t इंडिपेंडेंट हुआ और x डिपेंडेंट हुआ, तो x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट एंड t इज इंडिपेंडेंट. तो x डिपेंड्स ऑन t, y डिपेंड्स ऑन t, x एंड y आर डिपेंडेंट एंड t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहां देख लो आप z बराबर fx y है, सो z डिपेंड्स ऑन x एंड y. तो z के इस फंक्शन में एक्चुअली z जो है डिपेंड कर रहा है x एंड y पे. सो अब z खुद डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इस फंक्शन में, एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट फॉर दिस फंक्शन, है ना. ये फंक्शन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग. तो एट द एंड क्या होगा, यहां मैं क्या करूं, del f upon del x क्यों लिखा, बिकॉज z डिपेंड्स ऑन x एंड y बोथ, ठीक, तो इसलिए del f upon del x लिखा. अब dx upon dt क्यों लिखा, बिकॉज x जस्ट डिपेंड ऑन t ओनली, सिंगल डिपेंडेंट है, इसीलिए इसी में समझ लो ना मैं इसको क्या कर रहा हूं, dt dt dt, मैं यही लिख रहा हूं नीचे एक्चुअली. ओके, सो प्लस del f upon del y into dy upon dt. So df upon dt मतलब del f upon del x, del x upon dt, del f upon del y, dy upon dt. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं. मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अच्छा इसके एक्सटेंशन अगर मैं लिखूं, नाउ यू सी, किसी को डाउट है इसमें, देख लो एक बार. तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये जस्ट डी एफ लिखा है, तो इसको बोलेंगे टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ, इसका नाम है. इस पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे पहले थोड़ा सा और थ्योरी बता देता हूं. अब कई बार क्या होगा कि मान लो एफ है, एफ डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, एक्स डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल पे, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखूं, टी और एस बोल दो, ये भी डिपेंड कर रहा है टी और एस पे, मीन्स व्हाट, मीन्स है ना, एफ को तुम जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, इस तरह समझ सकते हो, लाइक मैं जेड लिख रहा हूं, मतलब लाइक तुम ऐसे समझो जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, यहां भी जो लिखा है मैंने, सो ये जेड है कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स वाई बोलना चाह रहे हो, एफ लिख सकते हो आप. सो हमारे पास क्या है, जेड इज फंक्शन ऑफ
एक्स वाई, एक्स इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ टी एस, वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी एस. नाउ यू सी y depends on t and s, so t and s are independent variable, y is dependent. इस function में, बीच वाले function में, x is dependent, t and s are independent. ठीक है, t and s are independent, x is dependent here, z is dependent, x and y are independent. ठीक है ना, तो role of dependent independent depends on the particular function. तो है ना, जैसे x कहीं इंडिपेंडेंट है बाद में कहीं इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंड करता है फंक्शन क्या है ना. जैसे एग्जांपल के आपका दुकान है तो आप क्या हो, वहां पे हो सकता है आप दुकानदार हो, कहीं आप खरीदने जा रहे हो आप ग्राहक बन गए. सो लाइक प्लेस का रोल है ना, कि यू आर कस्टमर समटाइम्स, समटाइम यू आर अ सेलर. सो सेम यहां पे वैसा सिस्टम है कि इस फंक्शन में y क्या है, डिपेंडेंट है, x t and s इंडिपेंडेंट है. इस फंक्शन में क्या हो रहा है, x and y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड इज डिपेंडेंट. तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट हुआ, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है. सो so, क्या करेंगे अब, मेरा पर्पस क्या है यहां पे. सो क्वेश्चन ये बताओ, क्या ये लिखना करेक्ट है यहां पे, कैन आई राइट दिस, दिस इज ट्रू और फॉल्स राइटिंग दिस, this is correct or incorrect, this representation is correct or incorrect here. It's incorrect. Incorrect, yes, because aap yahan pe dekho aapka f jo hai xy pe depend kar raha hai, x ts pe depend kar raha hai, y bhi ts pe depend kar raha hai, to at the end z bhi t and s dono pe depend kar raha hai actually. So z has now, agar simplify karke end tak jaoge, so at the end agar aap dekhoge to wo bhi kahin na kahin TS पे ही डिपेंड करेगा. सो मींस ये हो गया कि अभी TNS दो, यू हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. D आप तब लिखोगे जब वो टोटल डेरिवेटिव है, जब एक ही फ्री वेरिएबल है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तभी, अदरवाइज यू हैव राइट डेल. तो यहां मुझे डेल लिखना पड़ेगा, सो यहां मुझे डेल एफ अपॉन डेल टी लिखना पड़ेगा, बिकॉज टू इंडिपेंडेंट आर देयर टी एंड एस. सो इस तरीके से पार्शियल हो गया. तो है ना, बिल्कुल वही बात होगा ना, किसी माँ के दो बच्चे हैं तो मतलब पार्शियल ही है ना, प्यार बढ़ जाता है, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर, इसलिए पार्शियल हो रहा है ना, एक ही बच्चा है तो उस तरह से, तो वैसा सिस्टम है. ठीक है, तो क्या होगा, तो ये पार्शियल है यहाँ पे बिकॉज इट हैज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो लिख लो क्या करूंगा मैं, इसका फॉर्मूला किसी को आइडिया लगा यहाँ से, देख लो अगर समझ आया हो. देखो यहाँ क्या किया मैंने, मैं df upon dt कर रहा था. सो f ये है, f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, फिर x का t के रेस्पेक्ट में, पहला टर्म यही है ना, फिर f और t सेम है, इसका y के रेस्पेक्ट में, y का t के रेस्पेक्ट में, यही हुआ यहाँ पे, सेम सीन वहां होगा. देखो बताओ, जिसको समझ आता है बताओ, मैं क्या लिखूं इसको, फॉर्मूला बना रहा हूं एक्चुअली मैं. समझ आ रहा है, देखो, सो इसका डेरिवेटिव x, x का t, इसका डेरिवेटिव y और y का t, ऐसे जाना है आपको, दो टर्म होंगे. सो यू विल डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, और वन इज दिस वे, और सेकेंड वे इज डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t. तो ये फॉर्मूला हो गया डेल f अपॉन डेल t का. सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल एस सिमिलर होगा, सो एफ से एक्स, एक्स से एस, है ना, सो एफ से वाई, वाई से एस, तो ऐसे जाने हैं. सो कैसा फिगर हो गया ना, तो समझ लो. सो यहाँ पे क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल एस, सो अगेन डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एस, या एक्स लिखना है एक्स लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख लो पहले, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एस. क्लियर है, अगर इसमें दिक्कत है समझो मैं क्या कर रहा हूं, वन बाई वन एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का टी, चेन रूल, चेन रूल, ये चेन रूल लग रहा है एक्चुअली टू वेरिएबल का, आप वन वेरिएबल का चेन रूल सब लोग जानते हैं, तो जैसे चेन रूल ऑफ टू वेरिएबल, हाँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ चेन रूल. आपने वन वेरिएबल का चेन रूल सबने देखा हुआ है, कॉम्पोजिशन होता है ना वहां पे,
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ डैश जी एक्स इंटू जीरो एस एक्स, तो वो वन वेरिएबल का चेन रूल या टू वेरिएबल में चेन रूल हो गया। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कुछ फॉर्मूले हैं, और वैसे तो नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा। होमोजीनियस वाला बताया था लास्ट क्लास में कि लाइक फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ है ना एक्स एंड वाई, देन एक्स टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या था एन टाइम एफ, डबल पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला कल लिखा था आइलर्स थ्योरम फॉर द होमोजीनियस फंक्शन। सो इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पहले समझो, तो नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक ओके है, नेक्स्ट 9 टू 11 बैच है, सो थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ, ये नोट कर सकते हो। चलो थैंक यू, हाँ 9 टू 11 कंटिन्यू कर सकते हो।